तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है जिससे कि आप अपने गिफ्ट कार्ड वाउचर को आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट कुछ स्टेप मैं बताने वाला हूं आपको, रियली आप 100% अपने वाउचर को जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कुछ वाउचर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं माई कार्ड एंड वॉलेट में 1010 रुपये जो है वो पड़े हुए हैं, जो कि मुझे कुछ टाइम पहले मिले थे। आप देख सकते हैं 500 मैं इनको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा, तो मैं उस एप्लीकेशन को बता देता हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है शॉपसी एप्लीकेशन। बेसिकली ये एप्लीकेशन किस चीज़ पर वर्क करती है, ये इसी का ये फ्लिपकार्ट की दूसरी एप्लीकेशन है जो कि मार्जिन बेस्ड एप्लीकेशन है, जिससे कि आप घर बैठे कुछ पैसे कैशबैक ले सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आप उस पर कैशबैक ले सकते हैं इसके थ्रू। तो आपको इंस्टॉल कर लेनी है, मैंने यहाँ पे करके रखी है पहले ही, तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल मांगेगा, तो वो जो फ्लिपकार्ट में आपकी अकाउंट डिटेल है वही सेम डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। याद रखें दूसरी डिटेल नहीं डालनी है, वरना आपका जो ऑर्डर आईडी है और सभी चीज़ें हैं वो नहीं मैच करने की। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप भी नॉर्मली डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक कोई भी आइटम ले लेना है कम से कम प्राइस में, जिसमें कि हम मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें और आपका जो बैलेंस है, जो कि गिफ्ट का बैलेंस है, उसे मार्जिन में जोड़ सकें, और जो मार्जिन है वो आपका इस वॉलेट में आ जाएगा और यहाँ से आप सीधा बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल एक प्रोडक्ट ले सकते हैं कम से कम प्राइस में। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, बट मैंने जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, बट यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, इसमें ऐसी चीज़ नहीं कि आप वही चीज़ लें। तो मैं अपने कार्ड में मैंने एक टी शर्ट लिया अपने लिया, तो मैंने यहाँ पर टी शर्ट जो कार्ड में डाल रखी है, तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटेड मैन टी शर्ट है, जो कि 199 रुपये का जो है प्राइज़ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अर्निंग के लिए आ रहा है, तो आप देख सकते हैं अर्निंग ऑन दिस आइटम 0 और फाइनल कस्टमर प्राइस। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको फ्लिपकार्ट के अकाउंट में जाना है और वहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका बैलेंस हो, मैं अपना बैलेंस दिखा देता हूँ, 1010 रुपये हैं वो मेरा जो है टोटल यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का बैलेंस है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे टाइप करना है कि आपका बैलेंस और जो आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया है उसके जो प्राइस हैं वो दोनों मिलकर आपके गिफ्ट कार्ड के बराबर होने चाहिए। जैसे कि मेरे 1010 है तो मैं 10 को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर 1000 रख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ 800 रुपये। जैसे ही मैं 800 डालता हूँ तो आप देख लेना जो इसकी वैल्यू है, आप देख सकते हैं 500 रुपये मुझे 301 रुपये मिल रहा है, लेकिन आपका जितना बैलेंस है वाउचर में आप उस हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं जितना भी आप विड्रॉ करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे 1000 रुपये डाल के दिखा दिया है और 800 रुपये जो है मेरी अर्निंग आइटम पे हो जाएगी। टोटली हमारा जो है 800 तो ये हो गए और जो 200 रुपये की टी शर्ट है तो टोटली 1000 रुपये हो गए। तो आप देख सकते हैं जो कि मेरे वॉलेट में थे वो 1000 रुपये थे। इसको नॉर्मली अपने एड्रेस पर जो है पिकअप कर लेना है और यहाँ पर जो है डिलीवरी हेयर पर कर देना है, इसको नॉर्मली जो है आप जो है डिलीवर कर सकते हैं और यहाँ पर ऑर्डर को कन्फर्म कर सकते हैं। टोटली हमारे 1000 रुपये कटने वाले हैं, जो भी आपका बैलेंस कटेगा वो आपको आगे देख के गिफ्ट कार्ड में से काटना है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके प्राइस वगैरह सब मेंशन है। जैसे ही पेमेंट मेथड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आप देख सकते हैं गिफ्ट कार्ड, जैसे ही आप गिफ्ट कार्ड में देखेंगे तो वहाँ पे 1010 रुपये जो है वो बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे टोटली जो है 10 रुपये बचने वाले हैं और यहाँ पर जो ऑर्डर की वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ से आपको बैलेंस कर देना है ऑर्डर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो मेरा ऑर्डर है वो कन्फर्म हो गया है। अब बेसिकली होने वाला क्या है, जब भी आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा 2 या 3 दिन में, उसके बाद आपके जो सी अकाउंट है जो कि न्यू एप्लीकेशन थी इस अकाउंट में, वो अकाउंट में आपको पैसे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा रिफ्रेश करके एक बार, पेमेंट एलिविजल टोटल पेंडिंग जो मेरा पुराना था, अब यहाँ पर जो मैंने टी शर्ट का जो पेंडिंग कराया है वो आने वाला है, कुछ टाइम ले सकता है, 5 से 10 मिनट ले सकता है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, देखिए मेरा जो पेमेंट है वो आ गया, 801 रुपये मुझे प्रिंटेड का टी शर्ट का मिल चुका है। अब मैं इनको जब टी शर्ट जो है डिलीवर हो जाएगी
उसके बाद आप 2 या 3 दिन के बाद इस पैसे को जो है विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल डिपॉजिट में आपको यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आप फोन पे UPI किसी भी मेथड से आप इसको बैंक में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही इजी मेथड है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन